दोस्तों आज का जो वीडियो है ये रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स का फाइनल पार्ट है। इसका तीन पार्ट मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, तो ये पार्ट जो है समझने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब रूल नंबर 11, कुछ कंपाउंड नाउंस ऐसे होते हैं जो डबल प्लूरल के रूप में ही चेंज होता है। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है ये तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें मैं शॉर्टली बता देती हूँ कि ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक वर्ड को मिलाकर बना हुआ हो और उसमें एक प्रिंसिपल वर्ड होता है और बाद बाकी जो है सबऑर्डिनेट यानी कि हेल्पिंग वर्ड होता है। लेकिन आज का रूल थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें प्लूरल को फॉर्म करने के लिए दोनों का दोनों जो वर्ड है जो मिलकर एक कंपाउंड नाउन को फॉर्म कर रहा है वो दोनों ही प्लूरल में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स सम कंपाउंड नाउन्स विच टेक अ डबल प्लूरल। एग्जांपल्स, मैन सर्वेंट, लॉर्ड जस्टिस, दीज आर द टू वर्ड्स जिसका प्लूरल में अगर हम बदलने जाए तो मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स एंड लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिसेस। मैन सर्वेंट में जो है एम ए एन का एम ई एन हो गया है यानी कि मैन का प्लूरल फॉर्म मेन है चेंज हुआ और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया है यानी कि इसमें भी जो है प्लूरल फॉर्म हुआ है सर्वेंट का सर्वेंट्स। उसी तरह लॉर्ड में लॉर्ड्स और जस्टिस का जस्टिसेस। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि कौन सा प्रिंसिपल वर्ड है और कौन सा हेल्पिंग वर्ड है, दोनों का दोनों वर्ड चेंज होगा प्लूरल फॉर्म में और दोनों को चेंज करेंगे तभी वो टोटली प्लूरल फॉर्म में बदल जाएगा जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है। रूल नंबर 12, अब कुछ फॉरेन नाउन्स होते हैं जिसका भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म होता है लेकिन उन सभी वर्ड में ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसमें एस ऐड कर दो या एस ऐड कर दो तो हो जाएगा, कोई रूल मतलब है ही नहीं। कुछ मतलब बोले ना पार्टिकुलर है, ऐसा समझ लो कि स्पेशल केस। अब एग्जांपल में मैं कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स को डिस्कस करना चाहूँगी जो फॉरेन नाउन्स है और हो सकता है कि अभी तक आप लोग ये सारे वर्ड्स जो है ना पढ़े हो, जो जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ते जाएगा आगे आप लोग चलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। मैंने कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स का चार्ट बनाया है। नंबर 1, एजेंडम जिसका प्लूरल फॉर्म है एजेंडा। अभी तक हम लोग जितना भी रूल डिस्कस किए हैं कोई भी रूल मुझे नहीं लगता इसमें अप्लाइड है, बस ऐसे याद रखना है कि एजेंडम का प्लूरल फॉर्म एजेंडा ही है, उसमें कोई भी नियम कोई भी रूल नहीं लग रहा है। एडेंडम, एडेंडा, एनालिसिस, एनालिसिस, बेसिस, बेसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, डेटम, डेटा, ओवम, ओवा, इरेटम, इरेटा, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, थेसिस, थेसिस, बैंडिट, बैंडिटी, रेडियस, रेडियाई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फॉरेनर तो नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फॉरेनर नाउन्स या फॉरेनर वर्ड्स से कभी भी, मेरा मतलब है ऐसे वर्ड्स को कभी भी यूज़ ना करें या ना पढ़े। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस तरह के वर्ड्स जो है आते ही रहेंगे, तो इसीलिए ये सारे वर्ड्स को जान लेना बहुत ही अच्छा है क्योंकि ऐसा करने से आप लोग इजीली कंपेयर कर पाओगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही। और इसका एक और बेनिफिट है कि आप कुछ नए शब्द को प्लूरल में बदलना भी सीख जाएंगे। ये तो बस 12 ही है, 12 ही वर्ड्स हैं और 12 वर्ड है जो हो सके हेल्पफुल हो आप लोगों का। दीज वर्ड्स आर मॉनस्यूअर, मेस्यूअर्स, मैडम, मेजडम्स, एक्सिस, एक्सेस, इंडेक्स, इंडिसेस, सीरीज, सीरीज, स्पेसिस, स्पेसिस, ओएसिस, ओएसिस, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, स्ट्रैटम, स्ट्रैटा, फोकस, फोसाई।
ब्यूरियो ब्यूरियक्स, जीनियस जेनाई। ये जो है बाकी के बचे हुए 12 वर्ड्स हैं जिसका कोई रूल नहीं है कि कैसे इसको चेंज किया जाए, बस इसका एक स्पेसिफिक एक स्पेशल जो है टर्म है कि इसको सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए यही होना चाहिए। ऐसे करके अगर याद रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल को में बदलने की कोशिश करें या करते हैं। नाउ आई होप आपको ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, और साथ ही साथ ये वीडियो आपकी इंग्लिश स्टडी करने में भी हेल्पफुल हो। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।